आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी पास्ता, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और इंडियन स्टाइल है। और ये जो है बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। ये पास्ता आप टिफ़िन के साथ भी देख सकते हो और इवनिंग में स्नैक्स के साथ भी आप ये पास्ता को बच्चों के साथ सर्व कर सकते हो। और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही चटपटा है और मसालेदार है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे रही बेल आइकन को, ताकि जो भी मेरी वीडियो है वो आप तक पहुँच पहले ही पहुँच जाए नोटिफिकेशन। और जो है मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे हर एक भाई बहन के पास पहुँचा सकती है मेरी वीडियो। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है, आप चाहे तो एक पतीला भी ले सकते हो। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी को उबालने के लिए रख दिया था, और पानी उबालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी। आप कोई सा भी मैक्रोनी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसको हमें बॉईल होने देना है। तो बॉईल होने के बाद जो है हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेन कर लेनी है। तो स्ट्रेनर में मैंने स्ट्रेन कर लिया था, और उसके बाद जो है हमने मसाला के लिए इसको तैयार करना है। तो मसाला भी हमें तैयार करना है। तो हमारा जो पास्ता जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में हम जो है इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो देखिए पास्ता जो है वो इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए। ज़्यादा अगर सॉफ्ट हो गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद जो है एक पैन लिया है, और पैन को थोड़ा सा हीट होने देंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। आप जो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है रिफाइन ऑयल का ऐड किया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ अनियन, और जो है गार्लिक चॉप किया हुआ, और जो है इसको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल निकल जाएगा। तब तक के लिए हमने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेनी है, और अच्छे से ही इसको फ्राई करना है। आप चाहे तो इसमें जो है जिंजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जिंजर नहीं ऐड किया है, आप चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर चॉप करके रखे थे ग्रीन चिलीज़ को, हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो ग्रीन चिलीज़ को मैंने इस तरीके से चॉप करके रखे थे। आप चाहे तो आपकी मर्ज़ी से जो कोई भी आपको अच्छा लगे वैसे चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा जो हमने वेजिटेबल्स को चॉप करके रखे थे वो भी हमने ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर और शिमला मिर्च को ऐड कर दिया है। तो टमाटर जो है पहले से हमें पहले से ही चॉप करके रखे थे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, जो शिमला मिर्च को भी है ना हमने छोटे छोटे करके चॉप करके रखे थे, तो हमें वो भी ऐड कर देनी है। तो टमाटर को पहले से हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है हमें जो है शिमला मिर्च को ऐड करना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया था, और उसके बाद हमने यहाँ पर मसाला ऐड करना है। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पर पहले ऐड किया है थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, और उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर का ऐड किया है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर मसाला पास्ता जो है पास्ता मसाला यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ऐड किया है, और उसके बाद जो है यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल किया था। तो थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद जो है
इसको सॉफ्ट होने देंगे। और उसके बाद देखिए ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चीनी। चीनी से जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा चीनी का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो उसके बाद जो है हमने यहाँ पर डाल देनी है टमेटो सॉस, जो कि केचप भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको भी थोड़ा सा मिला लेनी है मिक्स करते हुए। और उसके बाद जो है आपके पास अगर सोया सॉस रहता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सोया सॉस नहीं ऐड किया है। तो उसके बाद जो हमने बॉईल करके रखे थे पास्ता, उसको हमने ऐड कर देनी है यहाँ पर। तो अब हम इसको ऐड करके अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो हमारा जो पास्ता है देखिए वो एकदम से इसके अंदर से इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें कुक करना है। और देखिए हमारा जो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी है। किसी को भी आप इवनिंग स्नैक्स में आप इसको दे सकते हो, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर से कमेंट में बताना, और अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या कोई व्लॉग्स लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।